टोटल मेरा 600 बाट 600 बाट खर्चा आया टोटल लाहौर से यहाँ तक। तो भाई देख सकते हो डेट 14 अगस्त को वीजा इशू आया है और 13 अगस्त 2029 तक वीजा है। मेरा भी लग चुका है और भाई का 5 साल का वीजा लग चुका है। भाई कंग्रेचुलेशन। हमारे साथ ही होते हैं भाई ऐसे सीन। ये देखो बेचारा ऊपर से हो रही है बारिश और इनका स्पेशल एक स्टॉप बना हुआ है जो कि 20 मिनट के लिए रुकते हैं ये वाली बसें। तो भाई फाइनली हम बाहर आ गए हैं। हमारे भाई 2 घंटे लग गए अंदर। बहुत स्लो इमिग्रेशन है। तो जी व्हाट्सअप, दिस इज योर बॉय पारस एंड वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग गाइस। तो आगे भाई एक नए ब्लॉग के साथ। तो भी मैं हूँ भाई लाओस के अदर और यहाँ की कैपिटल के अंदर हूँ मैं, वेंटियान लाओस। मेरे को यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से थाईलैंड बाय लैंड बॉर्डर। तो काफ़ी लोग वहाँ से लैंड बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं यहाँ पर और काफ़ी लोग हैं जो भाई ट्रैवल करना चाहते हैं और कैसे ट्रैवल कर सकते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। और काफ़ी लोग यहाँ से वीज़ा लेते हैं थाईलैंड का, मतलब लाओस से वीज़ा लग जाता है थाईलैंड का। कोई भी वीज़ा लेना है तो 5 साल का वीज़ा स्टार्ट हो चुका है, वो भी आपको शायद पता लग ही गया होगा। ये वीडियो मेरी थोड़ी लेट आएगी बट थाईलैंड का जो कि 5 साल का वीज़ा जिसको बोलते हैं DTV वीज़ा, डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा, तो वो वीज़ा भाई लग रहा है यहाँ से। मतलब कि ऐसे ही नहीं लग रहा, अगर किसी की पहचान होगी तो उसका ही लग रहा है, जैसे कि किसी का लिंक होगा तो कोई एजेंट के साथ या कोई मतलब कोई बंदा होगा जो यहाँ पर डायरेक्ट काम करता होगा। मेरा एक्चुअली दोस्त है वो करता है और मैं भी उसके थ्रू ही काम करवाता हूँ। और मेरा भी यहाँ से वीज़ा एक्चुअली रीन्यू होना था तो मैं यहाँ पर आ गया था लाओस के अंदर। तो मेरा एक्चुअली जो वीज़ा है वो दूसरा है, नॉन बी वीज़ा है जो कि थाईलैंड के अंदर मेरी ऑलरेडी कंपनी है तो मेरा वो कंटिन्यू होता है हर साल। तो थाईलैंड तो वैसे ही भाई वीज़ा फ्री कर दिया है, काफ़ी जो इंडियंस आ रहे हैं उनके लिए 2 मंथ की एंट्री मिल रही है थाईलैंड के अंदर। तो उसके अलावा 5 साल का भी वीज़ा करा है। 5 साल के अंदर आप 5 साल भी रह सकते हो बट आपको 6 मंथ में एग्जिट करना पड़ेगा। 6 मंथ आप रुक सकते हो, उसके बाद फिर 6 मंथ एग्जिट करके फिर आप वापस आ सकते हो, फिर आपको 6 मंथ की एंट्री मिल जाएगी। और वो वीज़े का फ़ायदा क्या है कि भाई आप कहीं भी काम कर सकते हो और ऑनलाइन रिमोटली काम कर सकते हो, मतलब आप मुएथाई कोर्स कर सकते हो, उसमें काफ़ी तरह के कोर्सेज आ जाते हैं जो कवर हो जाते हैं। और फ्रीलांसिंग कर सकते हो जो लोग लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वो वीज़े का ये फ़ायदा है। तो यहाँ पर भाई लगते हैं भाई 3 दिन लगते हैं वीज़ा के। अभी एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर बांग्लादेशी, वहाँ पर बैठ के खाना कर रहे हैं। और ये भाई हैं हमारे, कहाँ से भाजिए आप? जलंधर से भाजिए। क्या बात है, ये भाई हैं मेरे बिल्कुल मतलब पड़ोसी, मतलब अमृतसर के बिल्कुल पास जलंधर पड़ता है, तो ये जलंधर से हैं, पंजाब से हैं भाजी। वैसे अभी सीधा हमने जाना है एम्बेसी और एम्बेसी में जाके भाई देखते हैं, पासपोर्ट कलेक्ट करना है हमने, देखते हैं जाके आपको दिखाते हैं रिजल्ट। चलते हैं भाई सीधा मिलते हैं आपको एम्बेसी पर। ये सारी भाई जो कि वेंटियान सिटी है और ये सारे होटल्स हैं सारे भाई ये स्ट्रीट पे, और इसके पीछे भाई एक मार्केट लगती है बड़ी ज़बरदस्त जिसमें भाई आपको सब कुछ ही मिलता है, गुच्ची प्राडा पता नहीं क्या क्या ब्रांड आपको मिलेंगे। और रात को लगती है मार्केट की। और ये भाई लोग सारे हमारे साथ ही हैं। और भाजी क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? ये भाजी के तो आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक वो भाई आगे जा रहा है। तो हम हैं भाई 4 लोग और अभी टैक्सी में बैठ के सीधा एम्बेसी जाके पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे। सब भाई जी ये आ गया हमारा ड्राइवर। भाई गर्मी बड़ी है यहाँ पर यार, मतलब कि बाहर निकलो तो इतनी ऐसे है कि पूरी गर्मी है अभी फ़िलहाल, बट यहाँ पर ठंड भी होती है विंटर में ना, ऐसे अगर आप दिसंबर के आसपास आओगे यहाँ पर लाओस के अंदर तो यहाँ पर ठंड भी होती है थोड़ी थोड़ी ये एरिया में खास करके, क्योंकि यहाँ पर चाइना बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से चाइना का भी मतलब यहाँ से बॉर्डर लगता है और ये जो कैपिटल है सारी भाई चाइना ही हैंडल करता है सब कुछ, मतलब मोस्टली चाइना का होल्ड है यहाँ पर। फाइनली भाई एम्बेसी के बाहर हम पहुंच चुके हैं और ये भाई हमारा लेटर है जो हमको मिला था। ये देखो डेट देख सकते हो यहाँ पर 16 अगस्त लिखा हुआ है। कलेक्टिंग टाइम जो है हमारा वो है अराउंड 1:30 बजे और 1:30 बजे जाके हमको हमारा पासपोर्ट मिलेगा। A few moments later. तो फाइनली भाई हमारे पासपोर्ट हमने कलेक्ट कर लिए हैं और मेरा भी वीज़ा लग गया। मेरा भी एक्चुअली रीन्यू होना था वीज़ा, मेरा भी लग चुका है और भाई का 5 साल का वीज़ा लग चुका है। भाई कंग्रेचुलेशन, थाईलैंड का आपका 5 साल का वीज़ा लग गया है। और मैं मतलब 5 साल का वीज़ा की एक बार लग जाए ना तो बाद में बंदा 5 साल के लिए फ्री, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें यह है कि आप 6 मंथ आओ फिर एग्जिट करके फिर वापस आ जाओ, तो इस वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वीज़ा भी दिखा रहते हैं हम।
तो भाई देख सकते हो डेट 14 अगस्त को वीज़ा इशू हुआ है और 13 अगस्त 2029 तक वीज़ा है। मतलब भाजी 5 साल का वीज़ा यार, बड़ी हैरानगी वाली बात है ना। तो मतलब कितने दिन में आ गया वीज़ा ये बताओ? तीन दिन में आ गया ना, देख लो 3 दिन में आ गया। तो ये है भाई 3 दिन वाला, और ये है हमारे भाई टूरिस्ट वाले। टूरिस्ट वीज़ा वैसे भाजी जरूरत नहीं थी आपको, पर फिर भी लगवा लिया आपने ना, तो इनका भी वीज़ा दिखाते हैं आपको। और ये लो पाजी, कंग्रेचुलेशंस पाजी, बहुत बहुत 5 साल अब नज़ारे लो थाईलैंड में। टूरिस्ट वीज़ा जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। वैसे हम जा रहे हैं बॉर्डर पे और आपको बॉर्डर क्रॉसिंग भी दिखाते हैं भाई कैसे होती है। और अगर किसी ने भाई इस वीज़े के बारे में जानना है 5 साल वाले, तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम की आईडी अपनी दी हुई है, क्योंकि काफ़ी लोग इसकी इंक्वायरी लेना चाहते हैं। तो वीज़े के बारे में आपको मैं गाइड कर दूंगा भाई, कैसे वीज़ा मिलता है, क्या सिस्टम है। तो आप मुझे आप DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं हम अपना जो कि बॉर्डर पर, और ये है भाई लाओस का बॉर्डर, वेंतियान का बॉर्डर, और सामने है भाई कसिनो, वेगस कसिनो है ये। और मतलब ये बॉर्डर के बिल्कुल पास ही पड़ता है वेगस कसिनो। ओके, तो ये हमारे बैग। गर्मी बहुत है यार एक तो यहाँ पर ना, और जाने से पहले भाई एक चीज़ क्लियर करनी थी। यहाँ पर ना एक फॉर्म मिलता है ये वाला ना, मतलब आप जब भी एंटर करते हो तो आपको ना 2 फॉर्म मिलते हैं। जैसे थाईलैंड में पहले ब्लू कलर का मिलता था अराइवल और मतलब कंट्री छोड़ने वाला, तो ये वाले भाई 2 फॉर्म होते हैं, एक एंट्री पे भरना पड़ता है और एक एग्जिट पे भरना पड़ता है। तो ये संभाल के रखना होता है। और अभी मेरे भाई ने अभी खो दिया था, फेंक दिया था ना सुबह भाई, मैंने फेंक दिया था भाई, फेंकना नहीं होता ये। तो लकीली इन भाइयों ने रखा हुआ था अपने पास, और मैंने भी रखा हुआ था, मुझे पता था कि ये लोड पड़ेगी। और कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये फॉर्म कभी फेंकना नहीं है आपने, इसको रखना है हमेशा। तो भरते हैं भाई और करवाते हैं एग्जिट यहाँ से। हमारी लग गई है स्टैंप एग्जिट की यहाँ से, अब जाएंगे हम यहाँ से, बस आ गई, ये वाली बस में बैठेंगे। और ये है भाई बस का टिकट काउंटर, यहाँ पर 20,000 किप लगते हैं अगर आपने बस लेनी है, और थाई बाट में 30 बाट लगते हैं। और देख सकते हो प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर, दोनों प्राइसों में लिखा हुआ है, थाई बाट में भी लिखा हुआ है और किप में भी लिखा हुआ है। और सामने है बस, इसमें जाएंगे हम। और ये है भाई टिकट, 4 टिकटें ली हैं हमने, और हमारे लगे हैं 120 बाट टोटल। और यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको, यहाँ से मतलब है 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। ये ऐसी बसें होती है भाई यहाँ पर। हो भाई क्या बात है, सोफे लगाए हुए इन्होंने हैं, पूरे स्ट्रेट सोफे। चलो इधर ही बैठते हैं, पक्खा लगा हुआ है पूरा, ये देखो भाई तेज चल रहा है पूरा पक्खा ना। गर्मी बहुत है यार थाईलैंड में, मतलब कि लाओस में और थाईलैंड में दोनों जगह ऑर्डर ही लगता है भाई यहाँ से। तो ये सारे लोग अब बैठेंगे यहाँ पर, ये पीछे भाई इमिग्रेशन रह गई। और एक और चीज़ थी यहाँ पर, जब हम एग्जिट करा ना तो हमसे 20-20 बार लिए, पता नहीं किस चीज़ के लिए 20-20 बार, बट मैं कितनी बार आया हूँ यहाँ से, कभी नहीं लिया मेरे से 20 बार, इस बार लिए। 15 मिनट का रास्ता है वहाँ से यहाँ तक का। अभी हम पहुँच चुके हैं जो कि थाईलैंड के बॉर्डर पे, समय लोग ही थाईलैंड में ही है अभी। और यहाँ पर अभी होगी हमारी इमिग्रेशन, और ये वाली बस ने हमको उतार दिया पीछे। और देखते हैं भाई, वैसे तो मेरे पास नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एंट्री पे। और भाई के पास 5 साल का DTV वीज़ा है, भाई को भी नहीं आनी चाहिए कोई दिक्कत। और ये भाइयों के पास टूरिस्ट वीज़ा है, तो जिनके पास टूरिस्ट स्टिकर वीज़ा है वो एंट्री कर सकते हैं, बट ऑन अराइवल पे ये नहीं देते एंट्री। इनकी एक पॉलिसी है कि बॉर्डर से ये नहीं देते, ये कहते हैं कि भाई फ्लाइट से जहाँ तो सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जाओ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलती है भाई एंट्री। और ये आ गया भाई चेक पॉइंट, तो कैमरा डालते हैं जेब में, फिर मिलते हैं इमिग्रेशन के बाद। A few moments later. तो भाई फाइनली हम बाहर आ गए हैं, हमारे भाई 2 घंटे लग गए अंदर, बहुत स्लो इमिग्रेशन है यहाँ पर, और बहुत पूछते हैं भाई। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि यार जो ट्रैवलर है ना वो यहाँ से ट्रैवल ना ही करे तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर ना एक साइड पे काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर रोक लेते हैं। भाई कितना टाइम वेट करिए आप? 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटे एटलीस्ट लगी गए। और यहाँ से बहुत पूछते हैं भाई रिटर्न टिकट शो मनी ये वो, मेरे से नहीं पूछा क्योंकि मेरे पास नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। तो भाई से भी नहीं पूछा, भाई के पास तो DTP वीज़ा है भाई 5 साल वाला, तो भाई को मिली है 6 मंथ की एंट्री। मैं स्टैंप शो कर देता हूँ यहाँ पर, 6 मंथ भाई रुक सकता है, फरवरी तक मिली है भाई को एंट्री। और वो 2 भाई हैं हमारे पीछे बात कर रहे हैं, यहाँ से भाई टैक्सी बुक करके सीधा जाएंगे, और मैं इनको यहाँ पर ही बाय बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग है भाई। ये जाएंगे उबोन थाने यहाँ से, और मुझे यहाँ से डायरेक्ट बस पकड़ के आगे जाना है। तो चलो ठीक है भाजी, मिलते हैं ना, मुलाकात होगी भाजी फिर से। थैंक यू,
यहाँ से मुझे जाना है बस स्टेशन, यहाँ पर नोंगखाई जो कि ये सिटी है बॉर्डर के साथ, और यहाँ से नोंगखाई बस स्टेशन है, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, बट रेलवे स्टेशन पे सिर्फ लिमिटेड गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब रात को है 8 बजे ट्रेन, बस में 10 घंटे लगते हैं यहाँ से सीधा पतिया जाते जाते। बैंकॉक भी जाती है बस, देखते हैं कहाँ की बस मिलती है, फिर वहाँ की बस पकड़ेंगे और सीधा वहाँ पर जाएंगे। भाई मेरे साथ ही क्यों सीन होते हैं ऐसे भाई, पेट्रोल खत्म हो गया टुक टुक वाले का। यू वांट हेल्प? मैंने कहा भाई को पुश कर देते हैं, ये देखो हमारे साथ ही होते हैं भाई ऐसे सीन। ये देखो बेचारा, ऊपर से हो रही है बारिश, ठीक है, और ये रही दुकान, यहाँ से गैस होल डलेगा। लकीली भाई खत्म पता कहाँ हुआ है, बिल्कुल दुकान के बाहर। ये देखो भाई यहाँ से डलवाएगा, ये काउनुंग 91 लाएगा, ये देखो। ओ फिनिश ईयर ना। इतना शुक्र है कि भाई पेट्रोल खत्म हुआ है बिल्कुल शॉप के पास। ये देखो ओके बिनसिन, देखो भाई इमिग्रेशन वालों का लोगो लगाया हुआ इन्होंने। सही है भाई बच गए, मतलब इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये दुकान है भाई यहाँ पर लोकल सी कोई। ओके चलो यार सीधा मिलते हैं आपको अब बस स्टेशन। और ये जो टिकट काउंटर है यहाँ पर बिल्कुल, ये बस स्टेशन है भाई पीछे नोंगखाई का। वहाँ से आते आते मुझे यहाँ पर 15 मिनट लग गए थे, और ऊपर से बारिश आ रही थी भाई बहुत मतलब ज़बरदस्त वाली, अभी स्लो हो चुकी है बारिश। तो ये भाई काउंटर है यहाँ पर 407, यहाँ से ही आपको बस मिलेगी पतिया के लिए, यही स्पेशल काउंटर है पतिया के लिए। और पतिया जाते जाते मुझे शायद 10 से 11 घंटे लग जाएंगे यहाँ से वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और मेरी जो बस है वो है 20 मिनट के बाद यहाँ से सीधी पतिया पहुँचाएगी मुझे वो वाली बस। वेट करते हैं बस की, और यहाँ पर 7-11 भी है, मैं जाके पहले कुछ खाने के लिए लेता हूँ, भूख लग गई है भाई क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था हमारा, और सुबह से चले हैं, अभी पहुँचा हूँ मैं भाई थाईलैंड, और जो दूसरे लोग थे वो चले गए अपने अपने रास्ते। गोन थाने की उन्होंने टैक्सी करवा ली, और वहाँ से वो लेंगे फ्लाइट, और फ्लाइट लेके जाएंगे उनको, फिर भी वह सेम ही टाइम लग जाएगा, बट मुझे यहाँ के शॉर्टकट्स पता है तो मैं वो शॉर्टकट यूज़ करता हूँ जो थाइयों वाले लोकलों वाले। तो इसमें क्या है कि बंदा सस्ते में ट्रैवल कर लेता है, पैसे बच जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जी हमारी जो बस थी वो टाइम सर आ गई थी, और ये कुछ ऐसी बस होती है देख सकते हो, कंबल वंबल दिए इन्होंने, और जो बस का प्राइस पड़ा मुझे वो पड़ा 580 बाट में सीधा मुझे लेके जाएगी पतिया सिटी, और 8-9 घंटे लगने वाले हैं इस बस में, 6 बजे चलिए और सुबह पहुँचाएगी ये 4-5 बजे। और देख सकते हो बाहर बारिश हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, तो और ये रास्ते में रोकते हैं 2-3 जगह जहाँ पर लोग अपना डिनर विनर करते हैं, और रात को मतलब टॉयलेट वॉयलेट जाते हैं, तो मैं तो सोऊँगा अभी 3-4 घंटे सोएंगे, थकावट बहुत हो गई है ट्रैवल कर करके ना। ये भी एक अलग ही एडवेंचर है ट्रैवल करना ऐसे बसों में, क्योंकि पूरा मतलब दिखता है आपको माहौल, और फ्लाइट में तो वही 2-3 घंटे लगते हैं, बट यहाँ बस में एक अलग ही एडवेंचर है। और मैं तो भाई यूज्ड टू हो गया हूँ, मैं करता रहता हूँ ट्रैवल ऐसे, तो मज़ा भी आता है कई बार, और यहाँ पर ये दिक्कत बड़ी है, इन्होंने AC वो छोड़े होते हैं, ठंडा ठंडा हो जाता है काम। तो जी 5 घंटे के बाद पहुँचे हैं हम यहाँ पर नखोरना चश्मा, और यहाँ पर टॉयलेट वॉयलेट यूज़ करेंगे अभी। ये बहुत बड़ा स्टेशन है बस स्टेशन, यहाँ पर मतलब कि जितने भी भाई इसान से स्टॉपेज होते हैं वो सारे यहाँ पर ही होते हैं। ये सारी बसें भाई अलग अलग सिटी से आई हुई हैं, कोई खोनखान से आई है, कोई मुक्तान से आई है, मतलब अलग अलग जो प्रोवेंस है यहाँ पर। चलते हैं पहले टॉयलेट, और ये टिकट का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे फ्री में 25 बाट मिल गए, 25 बाट का मैं फूड खा सकता हूँ यहाँ से, मतलब ये टिकट के अंदर इंक्लूड होता है, और यहाँ से भी टिकट वगैरह मिलती है। तो जी हमारे हमने ये फ्री वाले राइस ले लिए, खाए डाओ 10 बाट ओके ओके
तो अंडे के भाई इन्होंने 10 बार एक्स्ट्रा ले लिए। और यहाँ पर ऐसे भाई फूड है देख सकते हो, समझ ये पोर्क है, ये चिकन है और वो राइस है। देखते हैं भाई खाने में कैसा है। यहाँ पर छोटे छोटे से टेबल बनाए हुए हैं इन्होंने, आप बैठ के खा सकते हो आराम से। और देख सकते हो ये उस टाइम बनाए थे, मतलब जब कोविड आया था, तो कोविड के बाद ये ऐसे ही टेबल, क्योंकि उस टाइम क्या था कि यहाँ पर ट्रैवल तो चल ही रहा था और शीशे लगा दिए थे सामने एक दूसरे के, ये देखो सारे शीशे लगे हुए कि किसी को कोई भाई कोविड ना फैले, क्योंकि सब लोग छोटे छोटे टेबल है ये वाले। देख सकते हो कैसे लोग खा रहे हैं खाना। बाहर आ गए हैं जी, खाना खा लिया था हमने। और यहाँ पर ऐसी शॉप्स बनी हुई हैं बाहर ही छोटी छोटी, और सारी बसें ऐसे रुकती हैं। और इनका स्पेशल एक स्टॉप बना हुआ है जो कि 20 मिनट के लिए रुकती हैं ये वाली बसें, और उसके बाद यहाँ से चलती हैं 20 मिनट के बाद, क्योंकि जिन्होंने भाई टॉयलेट वॉयलेट यूज़ करने वो यहाँ पर रुक के कर सकते हैं। और मेरी बस कौन सी थी भाई, मेरी बस कौन सी थी, ये वाली लग रही है मेरी बस, पता नहीं ये वाली है, कन्फ्यूज़ हो गया भाई बस कौन सी थी। बस खो दी थी मैंने, डर गया था, मैंने कहा भाई मेरा बैग वैग सब कुछ उधर ही है बस के अंदर, और ये रही मेरी बस भाई। और अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं, बट निकलते हैं यहाँ से। तो जी रात से हो गया दिन और हम पहुँच गए फाइनली भाई पतिया के अंदर। ये पीछे हमारी बस है भाई, ये पूछ लेते हैं कहाँ ड्रॉप करना है, फिर वो उसी हिसाब से ड्रॉप करते हैं बंदे को। और ये भाई पतिया ताई इसको बोलते हैं, ये वाले एरिया को, ये सारा पतिया ताई एरिया है, मतलब कि नींद बहुत ज़बरदस्त आई बस में और एसी बहुत ज़्यादा छोड़े होते हैं। और भाई बारिश बहुत हो रही थी, मतलब मैं देख रहा था रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी और थोड़ी सी बस स्लो चल रही थी उस हिसाब से ना, जो बस की टाइमिंग थी वो थी 5:30-6 बजे तक की, बट बारिश की वजह से क्या हो गया स्लो हो गया थोड़ा काम और फिर थोड़ा लेट ही पहुँचे हैं हम। तो ये थी भाई हमारी जर्नी जो कि लाओस से थाईलैंड तक पतिया तक, और मतलब लाओस वेंतियान जो कि कैपिटल है लाओस की, वहाँ से चले थे हम। और अभी पतिया सिटी पहुँच चुका हूँ मैं, और मेरा टोटल जो खर्चा आया वहाँ से यहाँ तक टोटल मेरा 600 बाट खर्चा आया टोटल लाओस से यहाँ तक। और आप भी ट्रैवल कर सकते हो अगर आप बस में कम्फर्टेबल हो, अदरवाइज़ वहाँ से फ़्लाइट भी चलती है और उतना ही टाइम लग जाता है अगर आप अप्रोक्सीमेटली लगाया जाए, 2-3 घंटे का ही फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ आप मतलब एयरपोर्ट जाते हो, वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद फिर फ़्लाइट लेते हो, फिर बाहर आते हो, चेक इन पे टाइम लगता है कई बार, और वहाँ पर बस की टाइमिंग पता होनी चाहिए, उसके बाद आप निकल सकते हो वहाँ से ना। मेरे को जैसे बस की टाइमिंग्स पता थी, 1:04 बजे बस चलती है वहाँ से नौखाई से और 1:06 बजे चलती है, तो यहाँ के लोकल होने का यही फ़ायदा हो जाता है। बाकी आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, आई होप कि आपको व्लॉग बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो यार लाइक कमेंट शेयर ठोक देना और चैनल को मुझे सब्सक्राइब कर देना, और नीचे इंस्टाग्राम की आईडी वगैरह आ रही है वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लेना। बहुत जल्द मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, फिलहाल के लिए बाय बाय।